गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ओपन पेज 51। लास्ट टाइम जैसा कि तुम्हें याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि पीरियोडिकली चेंजेस आते हैं ओवरी में और यूटेरस की लाइनिंग में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का और हार्मोनल चेंजेस भी फीमेल में आते हैं। अब सपोज करो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 14 टू 16 डे के आसपास ओवुलेशन हुआ, यानी कि एग रिलीज हुआ। अब वो एग क्या करेगा, वो इन्फर्टिबुलम वाला जो प्रोसेस है फेलोपियन ट्यूब का, उसके थ्रू एंटर करेगा। अब उस ओवरी से रिलीज हुआ एग, जिस प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन, 14 टू 16 डे के आसपास अब ये एंटर करता है इन्फर्टिबुलम वाले पोर्शन से फेलोपियन ट्यूब। अगर तुम्हें डायग्राम याद हो तो वो ये था कि फेलोपियन ट्यूब का वो वाला पॉइंट जो कि पॉइंट करता है ओवरी की तरफ, उसमें कुछ फिंगर या प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिम्ब्रिए। वो फिम्ब्रिए क्या करते हैं, एग को अपनी तरफ मूव कराते हैं, है ना, मूवमेंट के थ्रू। तो एग किसमें एंटर कर जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। अब इन्फर्टिबुलम के बाद नेक्स्ट वो कहाँ पर आता है, वो आता है एम्पुला के आगे जो पोर्शन है उसको कहते हैं इस्कमस। ये जो इनके बीच का पोजीशन होती है, इस्कमस और एम्पुला के बीच की, यहाँ पर आने के बाद वो फ्यूज करता है स्पर्म के साथ। दूसरी तरफ स्पर्म जो होता है वो किधर से आ रहा है, वो आ रहा है सबसे पहले वजाइना से, वजाइना के बाद वो आता है सर्विक्स से, सर्विक्स के बाद आता है यूटेरस से, और यूटेरस को क्रॉस करके फिर वो किस में पहुंचता है, इस्कमस में। ये यहाँ से पाथवे किसका है, स्पर्म का, यहाँ से पाथवे किसका है, एग का। अब ये दोनों सपोज करो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर एक साथ यानी साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, तब जाके फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होगा। तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए कि जिस समय एक एग यहाँ पर हो उसी समय एक स्पर्म जाकर इससे यहाँ पर मिले, यानी और उसके बाद क्या हो दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट पहला डिप्लॉइड सेल, ठीक है, एग प्लस स्पर्म फॉर्म्स जाइगोट, विच इज द फर्स्ट डिप्लॉइड सेल, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोम का सेट होता है 2, क्योंकि एग में है 1 और स्पर्म में भी है 1। इनको हम एन एन करके लिख सकते हैं, तो एन प्लस एन इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो इस तरह से पहला डिप्लॉइड सेल बनता है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल होता है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो कि प्रेजेंट होता है मदर्स वूम के अंदर उसको हम कहते हैं फीटस। फीटस और एम्ब्रियो का कंसेप्ट ये है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, पेज 51 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, जहाँ पर एंड हो रहा है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि सारे पॉपुलेशन की वजह से, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जिसको कोइटस भी कहते हैं, उनकी वजह से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती। तो हम ये कहेंगे कि जरूरी नहीं कि सभी में जो गैमेट्स हैं वो साइमल्टेनियसली दोनों इस्कमस एम्पुला जंक्शन पर पहुंचे, अगर वो अलग अलग समय पर पहुंचेंगे तो उनका फ्यूजन नहीं हो पाता। इसके बाद देखो आगे की बात इन्होंने लिखी है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। फिगर 3.10 देखो, इस फिगर में इन्होंने ये लिखा है कि अगर ये एक ओवम है और ओवम के बाहर वाली लेयर को कहते हैं जोना फेलोपियन, जोना फेलोसिडा के बाहर की तरफ बहुत सारे सेल्स हैं जिनको कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब बाहर से जो स्पर्म्स आ रहे हैं, सब
और ये स्पर्म है, ये दूसरा स्पर्म है, स्पर्म्स बहुत सारे आ गए, वो क्या करेंगे इसके अंदर फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो वो अपना रास्ता बनाएंगे इन सेल्स के थ्रू जिनको कहते हैं कोरोना रेडिएट। जब वो इन सेल्स को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद वो इस लेयर पर आकर बाइंड करते हैं जिसको जोना पेलोसिडा कहते हैं। जोना पेलोसिडा से जैसे ही ये स्पर्म आकर फ्यूज करते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर घुसते हैं तो ओवम के अंदर जो सेकंड मियोटिक डिवीजन चल रहा था, मैंने तो मैं बताया था कि जो रिलीज होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो क्या होता है, वो ओवम यानी कि मैच्योर एग नहीं था, वो क्या था, वो सेकेंडरी ओसाइट था। तो उसकी जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होती है, जब ये स्पर्म आकर यहाँ पर फ्यूज करेगा किससे, जोना पेलोसिडा से। उसके बाद इसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगी कम्प्लीट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एक स्पर्म यहाँ पर आकर फ्यूज करेगा, ये जो लेयर है जोना पेलोसिड, ये बाकी सारे स्पर्म्स के लिए हो जाएगी इम्परवियस, यानी कि उनको एंट्री नहीं होगी। एंट्री एक बार में सिर्फ एक स्पर्म की होगी और उसके एंट्री होते ही बाकी सब के लिए जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, यानी कि इम्परमिएबल हो जाती है लेयर। ऐसा इस वजह से होता है ताकि इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ एक स्पर्म ही फ्यूज करे एक गैमेट फीमेल गैमेट के साथ यानी कि एग के साथ। और साइमल्टेनियस फ्यूजन अगर होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, अगर साइमल्टेनियस फ्यूजन होता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर प्रेजेंट फॉर्मेशन होगा ट्विन्स का। दो अलग अलग गैमेट्स अगर फ्यूज करेंगे तो उससे कौन से ट्विन्स बनेंगे, उससे बनेंगे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। और चलो वो वाला कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि स्पर्म की एक स्पर्म की इसके फ्यूजन के साथ ही इसका म्यूटिक डिवीजन सेकेंड वाला कंप्लीट हो गया और ये जो लेयर था ये इम्परवियस हो गया दूसरे स्पर्म के लिए। और इसका जो न्यूक्लियस है इसके हेड के अंदर जो मौजूद था वो न्यूक्लियस यानी कि डीएनए, इसके न्यूक्लियस यानी डीएनए के साथ हो जाता है फ्यूज, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इस तरह से बनता है जाइगोट। ये फॉर्मेशन कहाँ पर था, ये फॉर्मेशन था स्टमस एम्पुला जंक्शन में, यानी स्टमस और एम्पुला के बीच की पोजीशन में। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ओपन पेज 52। अब देखो पेज 52 के टॉप में इन्होंने लिखा है कि जैसे ही ये सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर रिलीज होता है पोलर बॉडी। क्योंकि अगर तुम फिगर 3.8 का बी वाला पार्ट जो है उसको देखो तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होती है यानी कि जब सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनेगा तो एक पोलर बॉडी रिलीज होगी। तो ये वो पोलर बॉडी है जो कि स्पर्म के फ्यूजन के साथ ही स्पर्म की एंट्री के साथ ही रिलीज होती है। और पोलर बॉडीज क्या थी अगर तुम याद करो, पोलर बॉडीज वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने का उनका फंक्शन होता है और इसके बाद वो हो जाते हैं डीजेनरेट, बाकी उनका कोई फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं आगे, देखो पेज 52 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें इन्होंने ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन को एक तरह से रिव्यू किया है। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वुमन मेल्स में हर एक डिप्लॉयड सेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो क्रोमोसोम होती है एक्स वाई, इसीलिए ह्यूमन मेल्स को एक्स वाई से इंडिकेट किया जाता है, यानी क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन ह्यूमन मेल्स में होता है एक्स वाई, 23rd पोजीशन पे एक्स वाई, 23rd पोजीशन पे एक्स वाई है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि शुरू के 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम तक वो भी सब एक्स वाई है, वो ऑटोसोम्स होते हैं ना, उनकी शेप और उनकी फंक्शंस भी अलग होती है। और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 23rd पोजीशन पे क्योंकि वहां पर वो जीन उनके ऊपर वो जीन्स मौजूद हैं जो कंट्रोल करती है हम सेक्सुअल फीचर्स को। और ह्यूमन फीमेल्स के केस में ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्स। अब देखो ये क्रोमोसोम का दो का कॉम्बिनेशन है, दो क्रोमोसोम ये है और दो क्रोमोसोम ये है, पेयर्स में कहते हैं, इसीलिए मियोसिस के द्वारा गैमेट बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह के गैमेट बनेंगे, आधों में बनेगा ये वाले और आधों में बनेंगे ये वाले,
यानी कि आधे स्पर्म्स कैरी करेंगे 23rd पोजीशन पे एक्स क्रोमोसोम और आधे कैरी करेंगे वाई क्रोमोसोम। जबकि ह्यूमन फीमेल्स में क्या होगा कि आधे कैरी करेंगे एक्स और आधे करेंगे एक्स, इसका मतलब सभी के पास एक्स होगा। देखो क्रोमोसोम ये जो गैमिट्स होते हैं ये हैप्लॉइड है अभी अभी मैंने बताया, और ये वाले सेल यानी कि मियोसाइट्स इन्हें कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स या ओसाइट, स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया, ये होते हैं डिप्लॉइड। मियोसिस से ये प्रोसेस हो रहा है तो इसीलिए इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 23। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन गैमेट्स के पास 23rd पोजीशन पे कौन सा क्रोमोसोम होगा, या तो एक्स दोनों एक्स होंगे फीमेल्स के केस में, या आधों में 23 पोजीशन पे एक्स या वाई होगा। अब बात आती है फ्यूजन की। मेल्स के अंदर दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, फीमेल्स के अंदर दोनों एक ही टाइप के गैमेट्स बनते हैं, और इनके फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन अगर हो तो फीमेल, एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन हो तो फीमेल, वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन हो तो मेल, और वाई और एक्स का कॉम्बिनेशन हो तो मेल। इसका मतलब 50% पॉसिबिलिटी क्या है मेल की और 50% पॉसिबिलिटी है फीमेल की, और वो एंटायरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो ह्यूमन स्पर्म के ऊपर डिपेंड, मेल स्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनमें 50% एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, 50% वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं। अब देखो इन्होंने इसके पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है, दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर, कॉन्ट्रेरी टू बिलीव इन ह्यूमन सोसाइटी, जिसमें ये कहा जाता है कि जो जेंडर है बच्चे का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात आती है इम्प्लांटेशन। क्या होता है इम्प्लांटेशन, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो स्टेमा सैम्पुला जंक्शन में जैसे ही दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए वैसे बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो सेट हैं क्रोमोसोम के। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है जिनको हम कहते हैं क्लीवेज, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, इस तरह से डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं क्लीवेज। और वो क्लीवेज एक तरह का सेल डिवीजन है, और उस वो सेल डिवीजन फॉलो क्या करता है, वो फॉलो करता है माइटोसिस, वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। तो ये फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी, स्टेमा सैम्पुला जंक्शन में। सपोज ये फैलोपियन ट्यूब है और इसके बाद ये यहाँ पर आता है जिसको कहते हैं यूटेरस, तो जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गई, यानी कि अब ये क्या बन गया, एक दो सेल का स्ट्रक्चर, इसके बाद ये बन गया चार सेल का स्ट्रक्चर, इसके बाद बन जाएगा ये आठ सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये एक 16 सेल तक का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो 8 से 16 सेल तक का स्ट्रक्चर होता है इसको नाम दिया जाता है मोनोला। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनता है इसको कहते हैं मोनोला। इस मोनोला के अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स पाए जाते हैं इनको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये 16 या 8 ब्लास्टोसिस्ट से मिलके क्या बनता है मोनोला सेल। अब जाइगोट में जैसे ही डिवीजन स्टार्ट हुआ तो वो क्या बनाएगा, धीरे धीरे करके एक मास यानी क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देगा, तो गुच्छा बना लेगा। उन वो जो गुच्छे होते हैं उनको हम नाम देते हैं मोरूला, ठीक है, ये मोरूला है। अब मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा, जाइगोट से सबसे पहले क्लीवेज होने के बाद बनता है मोरूला, फिर बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्टुला,
और गेस्ट्रोल नर्व के बाद फाइनली फिर क्या बनता है? फीटस। देखो पेज 52 फर्स्ट पैराग्राफ, सॉरी लास्ट पैराग्राफ, इसमें इन्होंने लास्ट वाले लाइन पढ़ो, देखो ये लिखा है कि द एम्ब्रियो विद 8 टू 16 ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स का, सॉरी ब्लास्टोमियर का मतलब है इंडिविजुअल सेल, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल सेल को हम नाम देते हैं ब्लास्टोमियर, और ये सब ब्लास्टोमियर मिलके मोरूला बनाते हैं। मोरूला को मोरूला इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एक मलबेरी यानी कि शहतूत जैसा स्ट्रक्चर होता है, और शहतूत में हमें इसी तरह की फॉर्मेशन दिखती है। अच्छा, अब ये जो मोरूला है, इसके बाद ये बनाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला की एक विशेषता ये होती है कि इसमें दो जोन्स होती हैं, एक जोन तो होती है बाहर मौजूद सेल्स की और एक अंदर मौजूद स्ट्रक्चर की, जिसे कहते हैं इनर सेल मा। यानी कि शुरुआत में तो सिर्फ ऐसा था कि सेल्स का एक मास बनता चला जा रहा था, जैसे कि हम कहें कि एक बॉल है सेल्स की, जो बॉल कैसी है, ठोस है, यानी कि वो अंदर पिचक नहीं सकती वो। और इसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाते हैं उस बॉल ऑफ सेल्स में कि एक लेयर ऊपर बन जाती है और अंदर की तरफ कुछ सेल्स यहाँ पर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो बीच का खाली स्पेस होता है कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसिस्ट इस स्ट्रक्चर का नाम है जिसके अंदर इस तरह से कैविटी बन गई, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। जैसे कि तुम जानते हो सिलोम मतलब बॉडी कैविटी होता है, तो यहाँ पर भी सील का मतलब कैविटी है, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी यानी ब्लास्टोसील। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं इनर सेल मास। ये जो लेयर होती है बाहर की तरफ इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि इनर सेल मास जो होता है ये फ्यूचर में फीटस बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन होता है अटैचेस विद एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन है कि एंडोमेट्रियम से अटैच होने में हेल्प करता है। इनर सेल मास ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्यूचर में क्या बनेगा, फीटस। कैसे? उसमें तीन अलग अलग लेयर्स बनेंगी जिनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। सबसे बाहर की लेयर जिसको कहेंगे एक्टोडर्म, फिर बीच वाली लेयर जिसको कहेंगे मेसोडर्म, फिर सबसे अंदर वाली जिसको कहेंगे एंडोडर्म, और फिर उन तीनों जर्मिनल लेयर के अलग अलग फेट होंगे, यानी वो अलग अलग टाइप के टिश्यू बनते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस ब्लास्टोमियर्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, ये रहा ट्रोफोब्लास्ट, एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एट द एम्ब्रियो। यानी कि इसकी जो अगली स्टेज होगी जब ये बन गया है ब्लास्टोसिस्ट, स्टार्टिंग से एक बार फिर बताता हूँ, जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, इसके बाद इसमें होता है डिवीजन शुरू। जब ये 8 से लेकर 16 सेल तक की स्टेज में पहुंच जाता है उस समय इसे क्या कहते हैं, उस समय इसे मोरूला कहते हैं, तब ये एक मास ऑफ सेल होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला में क्या हुआ कि एक बाहर की तरफ बन जाएगी लेयर जिसको कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर एक सेल उनका मास होगा जिसे इनर सेल मास कहेंगे, और एक कैविटी बन जाएगी जिसे ब्लास्टोसील कहेंगे। इसके बाद इसका होता है इम्प्लांटेशन, यानी कि अगर ये यूटेरस की वॉल है तो इसके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आ जाएगा, है ना। सपोज करिए इनर सेल मास है और ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसके पास आने के बाद क्या होता है जुड़ जाता है, यानी कि इससे जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जुड़ने के बाद क्या होगा कि
ये वाला जो लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, ये क्या करेगी, इसको अपने चारों तरफ, इसके चारों तरफ मूव करके इसको क्या कर लेगी, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसको तुम्हारे बुक में एम्बेडिंग लिखा है। यानी कि एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर ले, तो ये उसको समाहित कर लेती है, और इस समाहित करने के प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इसी इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, तो क्या होता है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का मतलब ये जंक्शन है इस डेवलपिंग फीटस के अंदर और इस मैटरनल टिश्यू यानी कि यूटेरस की वॉल के बीच में जो जंक्शन है ना, जंक्शन या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं प्लेसेंटा। और वो कैसे बनता है, जब ये इसके अंदर एम्बेड यानी कि इसके अंदर समाहित हो जाता है। ठीक है, अब देखो, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस। तो ये यूटेरस के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको कवर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, ये एम्बेड हो गया, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो जब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा तब जाकर हम कहेंगे कि अब प्रेगनेंसी हो गई है। और अब ये यहाँ पर अटैच रहे जो गेस्टेशन पीरियड है यानी कि 9 मंथ्स का, उसको ये कम्प्लीट करेगा और उसके बाद ये मैच्योर होगा किसमें, एक यंग वन में। और उस ड्यूरेशन के कंप्लीट होने पे इसकी क्या होगी फिर, बर्थ। ये वाला जो टॉपिक है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अब इस इम्प्लांटेशन के बाद इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी, ठीक है, और उसके बाद उसके बेबी की बर्थ कैसे होगी यानी कि पार्चुरेशन कैसे होगा, ये हम करेंगे कल। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे कल, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन।